नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझाऊंगा। प्लीज वीडियो को अंत तक देखना और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी जल्दी में ही सीटेट की परीक्षा आने वाली है, अभी तक सीटेट की परीक्षा की डेट 5 जुलाई ही कंफर्म है। हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं है पोस्टपोन होने की। इसी के चलते मैं मनोविज्ञान पे आप लोगों को वीडियो बनाकर दे रहा हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम आए हैं और उस टॉपिक का नाम है बुद्धि, जिसको इंग्लिश में इंटेलिजेंसी कहते हैं। प्यारे बच्चों, बुद्धि क्या है? पहले सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि बुद्धि क्या है। मैं तीन पार्ट्स में बुद्धि को कंप्लीट करूंगा। आज केवल मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि बुद्धि क्या है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बुद्धि कैसे कार्य करती है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बुद्धि लब्धि निकालना सिखाऊंगा, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला सिखाऊंगा, और उसके आगे के पार्ट में मैं आप लोगों को बुद्धि निर्माण के सिद्धांत बताऊंगा। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि बुद्धि क्या है। प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल साधारण भाषा में समझो, मोहल्ले में, पड़ोस में या घर परिवार में माता पिता के द्वारा या अध्यापक के द्वारा कई बार उनसे कहा जाता है कि आप ये कार्य कर लो। कोई भी एक्स वाई जेड आप लोगों को कार्य करने के लिए दे दिया जाता है, और हम उस कार्य को कई बार नहीं कर पाते हैं या उस कार्य को गलत कर देते हैं, तो हमसे हमारे घर के या जिसने भी हमें वह कार्य दिया है क्या कहते हैं कि यार तेरे में थोड़ी बहुत बुद्धि है या नहीं है। इसका मतलब हम किसी कार्य को नहीं कर पाए या उस कार्य को करने में असफल हो गए, तो वो हमसे कहते हैं कि क्या बुद्धि है या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्धि होती क्या है? बुद्धि आप सिंपल भाषा में समझेंगे, मैंने लिख भी दिया है बोर्ड पर, सोचने समझने तर्क करने की क्षमता है, अर्थात किसी भी समस्या का समाधान करने की शक्ति को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बुद्धि। सोचने समझने तर्क करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? बुद्धि। कुछ मेन साइकोलॉजिस्ट भी हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग भी मैं डेफिनेशन आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन याद रखना प्यारे बच्चों, बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि व्यक्ति की एक जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। प्यारे बच्चों, मैंने बताया अमूर्त चिंतन, अमूर्त, अमूर्त मतलब होता है बच्चे, एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। जैसा कि अभी थोड़ी देर बाद ही मैं आप लोगों को बुद्धि के प्रकार जब आप लोगों को बताऊंगा तो बताऊंगा बुद्धि तीन प्रकार की होती है, एक सामाजिक बुद्धि, एक मूर्त बुद्धि और एक अमूर्त बुद्धि। अमूर्त को इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, अर्थात अमूर्त वह होता है जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने उपस्थित ना हो, उसके बारे में सोचने समझने या तर्क करने की जो योग्यता होती है वही क्या कहलाती है? बुद्धि। और बुद्धि कैसी होती है? जन्मजात शक्ति होती है। अभी हम थोड़ा सा बुद्धि के बारे में और पढ़ेंगे। बुद्धि, अगर किसी व्यक्ति में बुद्धि है तो कहा जाता है कि वह अपने पुराने अनुभवों से भविष्य में लाभ उठा सकता है। बुद्धि की शक्ति के द्वारा ही पुराने अनुभवों से क्या उठाया जा सकता है? लाभ। तो बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन करने की एक योग्यता है। और बुद्धि कैसी शक्ति है? जन्मजात शक्ति है। इसी आधार पर मैंने साधारण भाषा में लिखा था कि बुद्धि सोचने समझने तर्क करने की क्षमता है। आगे एक हमारे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा है, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, चार डेफिनेशन दे देगा, उसमें कहेगा निम्न में से वुडवर्थ के अनुसार क्या डेफिनेशन है या वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि क्या है, तो आप लोगों को आंसर देना होगा बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टर्मन के अनुसार, टर्मन भी एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में, वही बात आई ना, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट जो चीज अवेलेबल ही ना हो, प्रत्यक्ष रूप से बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। आगे
गाल्टन के अनुसार, गाल्टन भी एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। तो इस यहां तक मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया कि बुद्धि क्या है, बुद्धि की डेफिनेशन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कैसे कैसे दी, कि आप लोग समझ चुके होंगे, लिखना चाहे तो लिख भी सकते थे और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे। इसके बाद मैं प्यारे बच्चों आप लोगों को बताता हूं बुद्धि के प्रकार। देखिएगा अभी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जब ही आप इस पेपर को सोल्व कर पाएंगे प्यारे बच्चों, ये गारंटी है कि अगर परीक्षा सीटेट की अभी आप हाल ही में देने जाएंगे, सुपर टेट की देने जाएंगे, यूपी टेट की परीक्षा देने जाएंगे, तो वहां पर बुद्धि से संबंधित एक या दो क्वेश्चन गारंटीड परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी। प्यारे बच्चों अगर हम बुद्धि के प्रकार की बात करें तो प्यारे बच्चों बुद्धि तीन प्रकार की होती है मुख्य रूप से। ऐसे तो प्यारे बच्चों बुद्धि का वर्गीकरण करना एक बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी कुछ मेन मुख्य मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को तीन भागों में बांटा है। वो तीनों भाग आप लोगों को पता होने चाहिए। एक भाग होता है मूर्त बुद्धि, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं कंक्रीट इंटेलिजेंसी, और दूसरा होता है प्यारे बच्चों अमूर्त बुद्धि। और प्यारे बच्चों जो अमूर्त बुद्धि होता है उसे आप एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, और तीसरा होता है प्यारे बच्चों सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि को आप इंग्लिश में सोशल इंटेलिजेंसी भी बोल सकते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को मूर्त बुद्धि के बारे में बताऊंगा। मैं इनको समझाने से पहले एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं, मूर्त और अमूर्त का सीधा सीधा संबंध होता है प्यारे बच्चों। मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष, इंग्लिश में अगर आप चाहो तो कह सकते हैं डायरेक्ट, और अमूर्त का सीधा मतलब होता है अप्रत्यक्ष, अगर आप इंग्लिश में कहना चाहो तो इनडायरेक्ट। पहले मैं मूर्त बुद्धि की बात करता हूं प्यारे बच्चों। जिन बच्चों में मूर्त बुद्धि होती है वो किसी भी जो वास्तविक चीज हमारी रखी हुई होती है, प्रत्यक्ष चीज जो भी हमारी होती है, उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, उसकी कोई समस्या सोल्व कर सकते हैं, या किसी भी प्रत्यक्ष चीज को देखकर उसमें अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, और उस परिवर्तन के द्वारा वो उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अर्थात इस प्रकार की बुद्धि जिन छात्रों या जिन व्यक्तियों में होती है वो अच्छे कारीगर, अच्छे हाथ के दस्तकार, अच्छे मैकेनिक और अच्छे इंजीनियर आदि बन जाते हैं। लेकिन इस बुद्धि के लोग क्या होते हैं, जो डायरेक्ट सोचते हैं, मतलब केवल उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उनके सामने उपस्थित है। दूसरी बुद्धि होती है प्यारे बच्चों अमूर्त बुद्धि, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में ओरिजिनल तो इसका नाम एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी होता है। अर्थात जो प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा, मतलब जब जो कल्पनाएं कर सकता हो, जिसका कल्पनाशील हो, मतलब जैसे साहित्यकार होता है, एक अध्यापक होता है, जो कल्पना, अभी सोचो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और मैं आप लोगों को बुद्धि बता रहा हूं और कह रहा हूं कि जो 5 जुलाई को सीटेट की परीक्षा होने वाली है उसमें बुद्धि से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, और बुद्धि क्या होती है और सीटेट में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये मैं कल्पना ही तो कर रहा हूं, सीटेट का पेपर थोड़ी ना मैं बना रहा हूं। तो एक अध्यापक केवल कल्पना कर सकता, गणितज्ञ, चिंतनशील, तर्कशील, जो चिंतन कर ले, तर्क कर ले, कल्पनाएं कर ले, जितने भी साहित्यकार होते हैं, जितने भी अध्यापक होते हैं, वो सब क्या होते हैं, अमूर्त बुद्धि। और जिन बच्चों की अमूर्त बुद्धि अधिक होती है उनका शैक्षिक लेवल, शैक्षिक उपलब्धियां अधिक पाई जाती है उनमें, मतलब वो डिग्री, शैक्षिक उपलब्धियां ज्यादा होती है, कल्पनाएं कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। अब तीसरी बुद्धि की बात करते हैं प्यारे बच्चों सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंसी। देखो जो सामाजिक बुद्धि के लोग होते हैं
वो दूसरे लोगों के साथ सामाजिक संबंध आसानी से स्थापित कर लेते हैं और जल्दी ही स्थापित कर लेते हैं। उन्हें किसी भी व्यक्ति से घुलने और मिलने में ज्यादा समय नहीं लगता। इनका सामाजिक स्तर बहुत उच्च लेवल का होता है और सामाजिक प्रतिष्ठा बड़ी ही हाई लेवल की होती है। इस बुद्धि के लोग अच्छे समाज सुधारक, अच्छे वकील और अच्छे वकील आदि बन सकते हैं और अच्छे नेता। हाँ, सबसे अच्छे नेता, जो अच्छे नेता होते हैं वो भी किस बुद्धि के होते हैं? सामाजिक बुद्धि के होते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को तीनों प्रकार की बुद्धि बताई, लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे, कई बार बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया भी है, कई बार कमेंट्स भी दिए हैं और कई बार डायरेक्टली भी क्लास में भी पूछा गया है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर सबसे अच्छी बुद्धि कौन सी होती है? प्यारे बच्चों, सारी ही बुद्धि अच्छी होती है, क्योंकि बुद्धि का अच्छा होना या बुरा होना बुद्धि लब्धि के ऊपर डिपेंड करता है, जो मैं अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। क्योंकि उच्च बुद्धि लब्धि वाले लोग इसमें भी पाए जाते हैं और उच्च बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति इसमें भी पाए जाते हैं और उच्च बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति इसमें भी पाए जाते हैं। अर्थात बुद्धि लब्धि के आधार पर आप बुद्धि का वर्गीकरण, मतलब बुद्धि के प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हाँ, और दूसरी बात, जैसे कोई बच्चा सोच रहा हो कि क्या एक व्यक्ति में एक ही बुद्धि पाई जाती है? नहीं, एक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि, तीनों प्रकार की बुद्धि भी पाई जा सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मैकेनिकली भी माइंडेड होते हैं और थोड़ा कल्पनाशील भी होते हैं, तो उनमें दो बुद्धि भी हो सकती है और घुल मिल भी लेते हैं, लेकिन किसी एक में वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव होता है और उनमें थोड़ा कम भी होता है। प्यारे बच्चों, इसी टॉपिक के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं। तब इसके आगे की बात, बुद्धि लब्धि क्या होती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।